Now, next example related to some valid or invalid statement. As we are discussing in previous lectures, static variables cannot be initialized by variables or expression containing variables. First one, int x. Here x is a auto, y is also auto. Means x or y ka type kya hai? Auto and abc ka type kya hai? Static variables. Means auto variables ko value se bhi initialize karna possible, variable se bhi initialize karna possible. Both are valid case. लेकिन थर्ड केस को अगर कॉन्सिलेट करें, थर्ड केस में ए को इनिशियलाइज किससे किया, एक्स, यार एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स का टाइप क्या है, ऑटो या रजिस्टर हो या स्टैटिक हो, मींस स्टैटिक वेरिएबल्स किसी भी टाइप के वेरिएबल से इनिशियलाइज करना पॉसिबल, दैट्स व्हाई इट इज इनवैलिड केस, नॉट टू गोइंग टू बी कंपाइल. नेक्स्ट वन, सेम है अगर सेकंड स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में चेक करें, सपोज दैट अगर ये पर्टिकुलर केस कमेंट्स में होता है, देन थर्ड केस अगर अप्लाई करें, थर्ड केस में एक्सप्रेशन अप्लाई किया, लेकिन एक्सप्रेशन के अंदर दोनों ही ऑपरेंड कैसे हैं, कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज वैलिड. मींस कांस्टेंट एक्सप्रेशंस के थ्रू स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना पॉसिबल. अगेन लास्ट केस में सी को इनिशियलाइज किया गया ना एक्सप्रेशंस के थ्रू, लेकिन एक्सप्रेशन के अंदर फाउंड किया और अगेन वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई अगेन इट इज इनवैलिड केस. मींस इस केस में फोर्थ स्टेटमेंट वैलिड है, रिमेनिंग सारे फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ केस कैसे हैं, वैलिड. लेकिन थर्ड एंड फिफ्थ केस कैसे हैं, इनवैलिड केस, कंपाइल टाइम एरर. नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे व्हाई दिस केस इज अ इनवैलिड केस और व्हाई वी कैन नॉट इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल्स बाय यूजिंग वेरिएबल्स.